हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हाईवल्स का 200 एम्पियर का चेंज ओवर। ये हमारे यहाँ इसमें से आउटपुट नहीं आ रहा है। इनपुट के लिए दो है, एक ऊपर साइड के इनपुट से आउटपुट हो रहा है, नीचे साइड के इनपुट से नहीं हो रहा है आउटपुट। तो उसके लिए इसको आज खोल के रिपेयर करेंगे। इसको हमने खोल के मतलब बाहर निकाल लिया है। इसको एक एक करके सबको खोल के अलग कर लेंगे। इसमें दो सेक्शन है, एक ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। प्रॉब्लम नीचे के पार्ट में आ रही है। ये ऊपर वाला सेक्शन तो ठीक है, ये कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है, इससे सप्लाई पास भी हो रही है। जो नीचे का हमारा सेक्शन है इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों ही खोल के चेक कर लेंगे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तक तो ओके है अभी। बहुत सावधानी से करना है, जैसे जैसे हटाना है वैसे वैसे लगाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का सिस्टम का है। यदि आप गलती करेंगे तो बहुत बड़ी धोखा हो सकती है। ये है इसका सिस्टम। वैसे ही तो ये चेंज ओवर कम्पैक्ट बहुत अच्छा चेंज ओवर है, छोटा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी आ सकती हैं। उसको आगे देखते हैं, लास्ट वाले सेक्शन में क्या कमी है। सेम ऊपर वाले के जैसे नीचे वाला भी सेक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही सेक्शन है। ये देखिए, इसी में चिपका रह गया। ये देखिए, क्रैक्स हो गया, टूट गया है, जिसकी वजह से ये स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड ना करने की वजह से ऊपर की तो स्लाइडिंग हो रही है, ये नीचे की स्लाइडिंग रुक रही है, फंस रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये ठीक हो सकता है। ये तो या तो कंपनी से दूसरा पार्ट मिले तो होगा, नहीं तो ये बेकार है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक और ही 200 एम्पियर का चेंज ओवर ख़राब है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो उसका हम एक सेक्शन लगा लेंगे तो हमारा ये दो में से एक चेंज ओवर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें जो है, ये ज़्यादा दिन इसकी लाइफ नहीं है, ये डस्ट की वजह से और इसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सेक्शन चेंज करके हम लोग लगा लिए हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अभी इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद समस्या ना आए। अब इसको चेंज करके नीचे वाले पोल पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी इस पे भी है। कंटिन्यूटी क्या, इसको हम सीरीज लैंप से चेक कर रहे हैं। मल्टीमीटर से क्या है, कभी कभी नहीं भी बताता है, और सीरीज लैंप से क्लियर चेक हो जाता है।